उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के निकट भट्टे के पास खेत से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द कातिलों का पता लगाया जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही जांच शुरू की। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखें ये रिपोर्ट। निशा माहेश्वरी, क्या मामला है मैडम? मेरे भाई को अटैक हुआ है, क्योंकि हम साढ़े सात बजे के समथिंग भैया लेने के लिए गए थे, अपने गैस पेपर लेने के लिए गए थे, बीएससी के बोल के गए थे, और फिर आए वापस, लेकिन घर पर नहीं आए। मैं कॉल करके पूछ रही थी भाई की, इतनी देर मार के, बेटा अभी तू बार बार कॉल मत कर, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद कोई अंकल आए थे, पता नहीं मुझे, हम लोग टहल रहे थे, शाम का टाइम था, साढ़े सात आठ ही बजने वाली थी समथिंग, तो टहल रहे थे हम लोग, तो कोई आया एकदम से, तो मम्मी को बताया, ये लोग भागते हुए चले गए। तो मुझे किसी ने बोला कि तेरे भाई वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग, मैं भी पीछे पीछे भागी, पर हम लोग गए थे यहाँ पे, आगे भट्टा पड़ता है और उसके पास में ईंटें बनती हैं, उसके पास में तार लगा हुआ है, उसके अंदर जाके वो पड़ा हुआ था, और जबकि ऊपर चुन्नी टंग रही थी, वो पड़ा हुआ था, अगर उसने खुद भी करा है तो वो नीचे थोड़ी ना गिर जाएगा, चुन्नी उस पर बंधी हुई थी, हम लोग लेकर आए, उसकी पल्स चल रही थी, हम बाबा हॉस्पिटल लेके गए थे, उनने मना कर दिया, वो क्या आप बताएँ लेके जाओ, हम बताएँ, पहुँच ही पाए थे, फिर उसके बाद उसकी पल्स रुक गई थी, वापस लेके आए थे फिर हम नाइट में ही 10 बजे के समथिंग, हम फिर वापस आए थे वहाँ से, खत्म हो गए। हाँ, फिर खत्म हो गए। क्या नाम था कि क्या उम्र थी? 22 और आयुष माहेश्वरी, नहीं मुझसे 1 ईयर बड़ा था।